आपने अभी देखा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या चीज़ें आ रही हैं कि चाइना थोड़ा बौखलाया हुआ है ना। चाइना किसी कंट्री के ऊपर से मिसाइल्स, 11 मिसाइलें दागता है, उसको घेर रहा है, और वो कंट्री का नाम आप सब जानते हैं, ताइवान, राइट। तो चाइना को ऐसा क्या हो गया है कि ताइवान के ऊपर इतना चढ़ गया, इतना बौखला गया? ताइवान में ऐसा क्या किया, या ताइवान में ऐसा क्या होने वाला है, राइट। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो चाइना और ताइवान की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं आपको, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, आपको समझ आएगा कि जो करंट सिनारियो है चाइना और ताइवान का, ये जो आपस का डिस्प्यूट है, इसके पीछे कारण क्या है। कारण है बहुत पुराना, राइट। तो मैं शुरू करता हूँ चाइना के तरफ से। चाइना की हिस्ट्री थोड़ी जानेंगे, ताइवान की हिस्ट्री जानेंगे, फिर आप कंक्लूजन तक तो पहुँचेंगे कि क्या जो चाइना कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या ताइवान जो सह रहा है क्या वो ठीक सह रहा है। तो उसके लिए चाइना के पास चलते हैं। चाइना की हिस्ट्री में अगर बात करूँ तो किसी ज़माने में वहाँ पर कई साल राज किया किंग डायनेस्टी ने। क्या? किंग डायनेस्टी ने वहाँ पर किया। 1644 से लेकर 1911 तक वहाँ पे किंग डायनेस्टी रही। डायनेस्टी का मतलब उनकी ही रूलर्स वहाँ पे राज करते गए। यूरोप की कॉलोनियल पावर्स का भी यहाँ पर पूरा एक सीन बन रहा था। वो भी चाहती थी कि यूरोप की पावर्स भी यहाँ पर आए, राइट। जैसे ब्रिटिशर्स, जैसे फ्रांस, वो भी चाहता था कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन का काम मिले, राइट। इसी चक्कर में उन्होंने भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कई बार अटैक करने के बाद भी उनकी चली नहीं। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे ओपियम को इंट्रोड्यूस किया। ओपियम मतलब अफीम, अफीम को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ताकि ताकि जो चाइनीज़ लोगों का जो इतना स्ट्रॉन्ग सो कॉल्ड कल्चर है वो वीक पड़ जाए, उनकी सोसाइटी वीक पड़ जाए, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स वहाँ पे अपनी कॉलोनाइजेशन को और मजबूत कर लें, राइट। इसी चक्कर में पहली ओपियम वॉर भी होती है वहाँ पे 1839 से 1842। और इस वॉर में कौन जीतेगा? ब्रिटिशर्स ने गेन की वहाँ पे पावर, मोस्टली जो सेंट्रल एरिया है चाइना का वो ले गया। क्या सिर्फ चाइना ही, चाइना के ऊपर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे एज ए यूरोपियन पावर? क्योंकि और भी कंट्री यहाँ पर आ चुकी थी। जैसे कि आपको भारत में भी पता है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे यहाँ पे, पोर्तुगीज़ की कॉलोनी भी रही है कुछ पार्ट, फ्रांस भी था यहाँ पे। वैसे ही चाइना में ब्रिटिश को छोड़कर वो तो थे ही, पोर्तुगल आया, पोर्तुगल ने वहाँ का मकाओ को ओवरटेक कर लिया। जर्मनी ने वहाँ का नॉर्थ चाइना प्लेन्स के कोस्टल एरिया पे अपना वर्चस्व काम कर लिया। फ्रांस ने वहाँ के साउथ सदर्न चाइना पे अटैक किया। रशिया नॉर्थ का हिस्सा ले गया, और जापान ने कोरिया और ताइवान को अक्वाइड कर लिया। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस चाइना पे एक यूरोपियन पावर नहीं, यहाँ पे 6-7 यूरोपियन पावर्स इंगेज हो चुकी हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके पास ज़्यादा एरिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दैट वाज ब्रिटिशर्स, राइट। अब वहाँ के लोगों, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, डेफिनेटली वो तंग आएंगे। जैसे भारत के नेटिव्स भी तंग थे, तो वो भी तंग आएंगे कि यार इतनी सारी पावर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, 1900 में वहाँ के लोगों ने एक रेबलन किया, एक रेबल किया जो बहुत हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम था बॉक्सर रेबलन। और बॉक्सर रेबलन जो हुई थी वो अगेंस्ट फॉरनर्स हुई थी। एक नहीं, जितनी भी यूरोपियन जो पावर्स वहाँ पे एंगेज हैं, उन सब के खिलाफ वहाँ पे हुई, राइट। अब होता क्या है कि धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, 1911 का टाइम आ जाता है, या कह लो कि 1911 के बाद। पहली बात बता रहा हूँ मैं, 1911 में जो किंग डायनेस्टी थी उसका एंड होता है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि ऑफिशियली 1914 से शुरू हुई थी, तो वो माहौल बनना शुरू हुआ। और माहौल में जितनी भी यूरोपियन पावर जो यहाँ पे चाइना में एंगेज थी, उनका ध्यान यहाँ से हटा, या कह लो कि वो यहाँ पे वीक पड़ती गई, राइट। तो यूरोपियन पावर्स 1911 के बाद यहाँ पे धीरे धीरे उनकी जो पावर है, जो डोमिनेशन है, वो क्या होती गई, कम होती गई। तो यहां पे सिर्फ तीन पावर्स बचती हैं, जिसको हम कहते हैं थ्री वे स्प्लिट ऑफ चाइना। पहला नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और तीसरा अभी भी जिंदा है जापान, राइट। तो इट इज कॉल्ड द थ्री वे स्प्लिट ऑफ चाइना। तीन पावर्स, दो पॉलिटिकल पार्टीज और एक कंट्री। अब वो जो नेशनलिस्ट पावर है या पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चीफ का नाम था चियांग काई शेक। ध्यान से सुनना, यही ताइवान तक लेके जाएगा आप सबको, चियांग काई शेक। और जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो अपना
बाद में माओ भी आया, पहले यूएन सैंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, जापान आज तक था। लेकिन 1945 तक आते आते क्या हुआ, आपको पता, जापान पे न्यूक्लियर अटैक्स हुए। आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त को पहला अटैक हुआ था 1945 को, और 9 अगस्त को दूसरा अटैक हुआ था, राइट। तो जापान वहाँ पे डिफीट मिली उसे, और जापान इस सीन से, ये थ्री वे स्प्लिट्स की जो तीसरी पावर थी, ये यहाँ से वो बाहर हुआ, रह गए, बच गए दो, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट। हुआ क्या, नेशनलिस्ट ने कम्युनिस्ट पावर को डिफीट किया यहाँ पे, और कम्युनिस्टों को पहाड़ों की तरफ धकेल दिया, हाइट की तरफ धकेल दिया, और मेन लैंड चाइना पे, जो प्रॉपर चाइना है, वहाँ पे कौन सी पावर है, नेशनलिस्ट पावर आ गई अंडर द लीडर चियांग काई शेक। अब जो कम्युनिस्ट डिफीट हो चुके थे, वो पहाड़ों पे जा चुके थे, 1934 के राउंड, है ना, कहा जाता है 1934 के राउंड उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया, और धीरे धीरे लॉन्ग मार्च करके वहाँ के जो लोग हैं, रूरल एरिया है, उसका उसका साथ मांगा, और घर घर का दरवाज़ा खटखटाया वहाँ पे। उसके बाद काफ़ी सालों बाद, कितनी लंबी मार्च के बाद, उनको वो साथ मिला, राइट। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 45 में जापान बार नेशनलिस्ट सीन में है, कम्युनिस्ट वो जो विश्वास है लोगों का वो जीत चुके हैं, और बाय द एंड ऑफ 1945 कम्युनिस्ट ने अपने आप को पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड कर लिया, और चियांग काईशेक को पता लग गया कि अब मेरी लंका लगने वाली है, अब मैं जाने वाला हूँ। इसी करके पहले से ही वो बंदे ने क्या किया, वहाँ से भाग लिया। चियांग काईशेक ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, बहुत सारी चाइना की ट्रेजरी इकट्ठी की, और निकल लिया। कहाँ निकल लिया, आंसर तो ये बात ही यहाँ पे छुपी हुई है, वो चियांग काई शेक जो नेशनल लीडर था, वहाँ से निकल के गया फार्मोसा आइलैंड। अब सर ये फार्मोसा आइलैंड क्या है, बेटा ताइवान ही का नाम है फार्मोसा आइलैंड, राइट। और जैसे ही वो ताइवान गया, उसने अपने आप को वहाँ की गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, और गवर्नमेंट का नाम रखा ROC, और ROC का मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब एक इंसान जो एक देश से भागा हुआ है, दूसरे देश में जाके अपनी सत्ता को कायम करने की कोशिश कर, और डिक्लेयर भी कर दी है, लेकिन इस चाइना में, मेनलैंड चाइना में कौन बैठेंगे, देखो नेशनलिस्ट बाहर गए, यहां पे कौन हुआ, कम्युनिस्ट। क्या कम्युनिस्ट ये होने देंगे, या वो मानेंगे नहीं कि हमारे से निकला एक बंदा ताइवान पे जाकर, जो किसी जमाने पे उन्हीं का पार्ट था, तो वहां पे जाकर अपनी सत्ता घोषित करता है, ये गलत है। इसी करके चाइना ने वो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया, ना अब किया, आगे का मुझे पता नहीं है, आगे करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अभी तक सीन क्या है, ताइवान को वो ऑफिशियल रिपब्लिक नहीं मानता चाइना का, वो ये कहता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है। तो अभी सीन क्या है, आज का करंट सीन क्या है, ताइवान में कौन, नेशनलिस्ट पार्टी वाले, मेनलैंड चाइना में कौन, कम्युनिस्ट वाले, राइट। तो और सीन, अभी यूएसए का भी सीन में बीच में डालता हूं, जैसे अभी ढला है ना, यूएसए की एक स्पीकर वहां पे गए, नैन्सी पेलोसी, और चाइना को कुछ हो गया, और ये हिस्ट्री में हमेशा से रहा है कि जो यूएसए है ना, वो कम्युनिस्टों के अगेंस्ट रहा है शुरू से। जो यूएसए है, उसने ताइवान का जो ये नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा से सपोर्ट किया ऐसे, और कम्युनिस्टों के अगेंस्ट भागता रहा हमेशा। और आज नहीं, ये आज नहीं हो रहा, जब जब ताइवान पर यूएसए का कोई भी ऑफिशियली वहाँ पर विजिट किया, तब तब चाइना को दिक्कत आई, है ना। अभी आप सीन देखोगे, नैन्सी पेलोसी ने वहाँ पर किया, और ताइवान चाइना को कुछ हो गया, चाइना ने अटैक किया वहाँ पे, डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बस डराना धमकाना तो चलता रहता है। तो ताइवान को वो आज भी अपना एक प्रोविंस मानता है, बेसिकली चाइना में 22 प्रोविंसेज है, चाइना प्रॉपर में इसे वो अपना 23वां चाइना जो प्रोविंस है चाइना का वो मानता है, याद रखें। ताइवान रिकग्नाइज नहीं करता कि वो आज भी बोलता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, लेकिन चाइना ने वो नहीं मानता, राइट। और सिर्फ ताइवान को लेकर नहीं, चाइना हमेशा से वन चाइना पॉलिसी की बातें करता रहा है, और वन चाइना पॉलिसी में क्या क्या है, उसके बहुत सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स, जैसे पहला तिब्बत, तिब्बत भी उसका एक ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बत भी आज़ादी चाह रहा है, चाइना देने को तैयार नहीं। हांगकांग उसका ऑटोनोमस रीजन, मकाओ उसका ऑटोनोमस रीजन, और ताइवान भी ऑटोनोमस तो नहीं है, ताइवान में तो अपनी सरकार चल रही है, लेकिन चाइना चाह रहा है कि वो मेरा है। ये वन सिंगल चाइना पॉलिसी के तहत जितनी भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं, ये चाइना ही है, राइट। तो
आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा हिस्ट्री के बारे में, है ना, ये ताइवान चाइना की लड़ाई क्यों हो रही है। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों का अगर अगर इनकी वॉर डिक्लेयर हो जाती है फुल स्केल वॉर, है ना, जैसे अभी टर्की और ये जो रशिया और यूक्रेन की अगर बात करूं तो वहां पे भी इम्पैक्ट अभी तक वॉर चल रही है, वो तो अभी बंद नहीं हुए थे और ये शुरू हो चुके हैं, तो क्या इंडिया को इनके पर्सनल रिलेशन से या इंडिया को इनकी वॉर के इंगेजमेंट से अगर लंबी चलती है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव वे से क्या नेगेटिव वे से, प्लीज़ इसको समझना, इस जियोपॉलिटिक्स को, और मुझे बताना थोड़ा बहुत जो भी समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करूँगा आपका, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।